तो रानी का ही किला है, यहीं पे रानी नहाने के लिए आती थी और नहाने के लिए सारा यहाँ पे। Even when you feel low, you can still go. Even... आप सभी को स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग एक मंदिर जाने वाले हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध मंदिर है हम लोग का एरिया का, और वो गोपालगंज जिले में आता है, और उस मंदिर का नाम है थावे माता मंदिर, और जो कि गोपालगंज जिला में पड़ता है। और हम लोग अभी निकले हैं वहाँ पर जाने के लिए, तो आप लोग भी मेरे साथ चलिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। जो भी इंटरेस्टिंग पार्ट है आप लोगों को मैं दिखाते चलूँगा। हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं और आप लोगों को दर्शन कराने के लिए ले चलते हैं साथ में, आप लोग चली जाइए। बस आते बनी जा उन्हीं से। फ्रेंड्स, हमारे हिंदू धर्म में अब कोई भी व्यक्ति मरता है तो उसको उत्तर या दक्षिण में सुलाया जाता है और समाधि भी वैसे ही दिलाया जाता है, लेकिन यहाँ पे अलग है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो बच्चा बाबा समाधि जो कि पूर्व और पश्चिम दिशा में है, और यहाँ पर भी देख सकते हैं श्री श्री 108 श्री स्वामी भूमिकानंद का समाधि है, इनका भी पूर्व पश्चिम ही है। हालांकि सारे हिंदू धर्म में उत्तर और दक्षिण में होता है और जलाया भी जाता है, मरने के बाद भी आदमी को उत्तर और दक्षिण में सुला दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे अलग है। तो इसको मतलब ये क्यों है आप लोग अगर पता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और फ्रेंड्स, और भी है, आप लोग दिखाते हैं यहाँ पे आगे चलते हैं। बताया जाता है कि यहाँ पर जो भी कोई मन्नत मांगता है वो पूरा होता है, और आप लोग देख सकते हैं ये कुएं जो कि बहुत अंदर तक बना हुआ है। शेषनाग का प्रसाद है, आपके हर जीवन में ऊंचा फल प्राप्ति होगा, दिल मन कामना पूर्ण होंगे बेटा। वो मत लीजिए, कुएं के अंदर का फोटो नहीं लिया जाता है, यहाँ पे लिख के रखना भी। सो फ्रेंड्स, ये मंदिर जो देख रहे हैं आप, ये जो रहसु भगत का मंदिर है, और इसके अंदर जो भी है आप लोग को दिखाया ही है, और देख सकते हैं यहाँ पे कितना बेहद खूबसूरत बनाया जा रहा है इस मंदिर को। अभी मतलब बन रहा है इसलिए ऐसा लग रहा है, लेकिन जब बनकर कंप्लीट हो जाएगा तब देखिए कितना खूबसूरत लगेगा यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग चलते हैं आप लोग को किला दिखाने के लिए, चलिए मेरे साथ।
फ्रेंड्स आप लोग को वहाँ पे मैं राजा का महल नहीं दिखा पाया क्योंकि वो जो महल था उसको होटल में तब्दील कर दिया गया था, इसलिए वहाँ से हम लोग निकल गए और अभी हम लोग पहुँचे हैं। ये जो आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं ये हाथों में पड़ता है, ये तो रानी का ही किला है। यहीं पे रानी नहाने के लिए आती थी और नहाने के लिए सारा यहाँ पे बनाया गया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा पोखरा है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आके देख सकते हैं जो रानी आती थी नहाने के लिए और इसी दरवाजे से अंदर जाती थी। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो कि उस समय का यह दरवाजा बना हुआ जो कि एकदम टूट गया, पत्थर का ही बना। सो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप किला जो कि उन्हीं का एक किला है, इसी में रहती थी वो जो रानी थी यहाँ की। और ये बना हुआ है यहाँ के गुंबज, देख सकते हैं कितना बेहतरीन बनाया गया है उस समय का। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये किला है, अभी ये बंद है, इसमें अंदर जाना अलाउ नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि आप सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में है। और आप लोग देख सकते हैं उस समय का मंदिर बनाया है, मंदिर सॉरी जो किला है रानी का वो बनाया गया हुआ है यहाँ पे। और देख सकते हैं चारों तरफ, और मौसम थोड़ा ख़राब हो गया है, यहाँ पे बारिश होने वाला है। आप देख सकते हैं मौसम कितना ख़राब हुआ है यहाँ का, और बारिश हुआ था वहाँ पर, हम लोग गए थे तो थावे में थे वहाँ पर बारिश हुआ था। फ्रेंड्स आई होप आप लोग ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक करें, और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि मैं जैसे वीडियो डालूँ आप तक पहुंच सके। तो सो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।